इसलिए ना जो देखो जैसे मैं हूँ अब मेरे मुश्किल से मिलती है, क्योंकि ये लोग ही नहीं छोड़ते, ये कहते हैं कि जितने भी आए हमें ही आ जाए सारी, दूसरे को कुछ ना मिले। अच्छा, तो यार आपकी जेब में 500 का नोट आ जाते भाई, लेकिन मेहनत भी है भाई, सुबह 7 बजे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज मंडे है, कज़न काम कर रहा था, वही सलाम कर, अस्सलामुअलैकुम। तो मैंने कहा चलो यार इसके साथ थोड़ा टाइम पास करें, मैं थोड़ा सा आपको इसकी रूटीन भी बता दूंगा। ये इसकी कार है और इसका काम है और डिलीवरीज का काम कर रहा है अभी हफरल बातिन में, फूड डिलीवरी जो होती है और कोरियर कंपनी के साथ। ये आपको कुछ लोग पहले हमने जो बताया था ना कि हम रेंट पे गाड़ी ढूंढ रहे हैं, ये रेंट पे हमने गाड़ी खरीद ली थी, ये उसी पे काम कर रहा है माशाल्लाह से, अच्छा जा रहा काम। अच्छा भाई मुझे यार हफर घुमाओ, चलो घुमाते हैं, हफर घुमाओ यार मुझे बगैर बेल्ट लगाए। यार आपको पता है इधर बेल्ट लगाना तो ज़रूरी है, लेकिन ना पाकिस्तान की आदत पड़ी हुई है, मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर। पाकिस्तान में बेल्ट नहीं लगाते? पाकिस्तान में कहाँ है, आपको पता है उधर इशारे सिग्नल पे नहीं रोकते? नहीं रोकते हैं, नहीं रोकते हैं। अगर आगे गाड़ी हो, गाड़ी हो तो फिर रोकते ना, वैसे नहीं रोकते। वैसे क्या है, वन सिग्नल पे नहीं रोकते। सही सिखा रहे हो यार बंदों को, सही काम सिखा रहे हो, ये देखें ऐसी बातें सिखाता ही है। और फिर कहता कि यार मैं मुझे झूले दिलाओ। अभी आपको मैं दिलाता हूँ ना झूले, लेफ्ट जाओ आपको। अच्छा तो अभी हमारे पास फिलहाल कोई डिलीवरी नहीं है, हम जा रहे हैं स्पॉट पे जिधर डिलीवरी आती हैं, उधर जाके खड़े होंगे, डिलीवरी का वेट करेंगे, फिर डिलीवरी उठाएंगे, फिर उसको छोड़ के आएंगे और एक डिलीवरी आपके साथ शेयर करेंगे किस तरीके से उठाती हैं और किस तरीके से छोड़ के आती हैं और हमें डिलीवरी के कितना हर जाना मिलता है। यारी प्रेम भी आज पता क्या हुआ? क्या हुआ? तल्ला नहीं है ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस, उधर से मैं वापस आ रहा था यार, ये इतने झटके क्यों? ड्राइविंग स्कूल का नाम यहाँ पे तल्ला है। अच्छा, तो यार उधर से मैं आ रहा था, मैं पुल नीचे उतर रहा था, ठीक है, तो सामने से ना वन वे करोला आ रही थी एक पुराने मॉडल की ना। अच्छा, तो मेरे साथ भी ना एक करोला थी, तो यार वो आपस में लगे हैं इब्रे भाई, दोनों का फ्रंट उड़ गया मेन रोड पे, तकरीबन 80 की स्पीड होगी, इतनी स्पीड में गाड़ी लगी। किसकी गलती थी? वन वे वाले की गलती थी, वो वन वे थर्ड लेन पे आ रहा था वन वे, और कच्चे में भी नहीं आया, मिट्टी पे से नहीं आया, वो थर्ड लेन में इतना पागल था, इतना पागल था और 80 की स्पीड पे आ रहा था, और अल्लाह का करना देखो दोनों को कुछ नहीं हुआ, चार बंदे थे, दो 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 गाड़ियों का बुरा हाल हो गया और बंदे वैसे के वैसे, जिसको अल्लाह रखे कौन चक्के। उसके बाद फिर क्यों खड़े हो इशारे पे? इशारा यार सामने 3000 रियाल का मुखालफा हो जाएगा। सामने ऐसा क्या है? सामने वो आप ज़ूम करके दिखाओ, ऐसा क्या है जिससे हर बंदा डरता है, ये 3000 रियाल का कैमरा है, ये जो लंबा खंबा खड़ा है यही? जी जी यही। अच्छा, आपको पता है इधर अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ में रखे यार, देख के गाड़ी चलाया करो। मैं तो यार बहुत ध्यान से, मैं कहता हूँ कि यार पीछे से कोई स्पीड में आ रहा है ना, तू चला जा मेरी खैर है, ऐसे ही है, ये प्रिटेंड करो कि भाई अगला बंदा अंदर है, अगला बंदा है, यही बात जो आपने मुझे सिखाई है, उसी पे अमल करता हूँ। हाँ बस, यहाँ पर भाई कोई भरोसा नहीं है। हम अभी बैंक आए हैं, अलराजी बैंक। यहाँ पर ऐसा होता है सऊदीया में कि जब हमने पैसे डिपॉजिट करने होते हैं ना, किसी भी ब्रांच में चले जाते हैं, बाहर मशीन्स लगी हुई हैं, उसमें ऐसे पैसे ना पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं हम, ये कार्ड से पैसे डिपॉजिट कर देती हैं एनी टाइम, किसी भी टाइम। ये डिपॉजिट की लाइन लगी हुई है बहुत बड़ी। तो यार ये बारी बारी है, डिपॉजिट हो गए पैसे। हाँ जी भाई,
यार अच्छा हाफर घुमाओ, आपको घुमाता हूँ, डिलीवरी आ जाए कोई, फिर उसके साथ चलते हैं। अभी जिधर हमने पॉइंट पे जाना है हम उधर चलते हैं अभी। अच्छा और मैं सुनाओ काम कैसा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो क्या एवरेज जा रही है? सुबह 8 बजे से शुरू होता हूँ। ठीक है, तो रात को 11-12 बजे तक चलाता हूँ, तो इतने में यार 15-20 डिलीवरीज कर लेता हूँ। अच्छा क्या एवरेज है एक डिलीवरी की? एक डिलीवरी की अगर आप 20 किलोमीटर फासले पे आती है तो उसके हमें मिलते हैं 16 रियाल। अच्छा, और अगर करीब की आती है जैसे 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर तो उसके ये देते हैं 13 रियाल, 12-13 रियाल देते हैं एक डिलीवरी के। करीब की बेस्ट नहीं है? करीब की यार बेस्ट है, लेकिन कंपटीशन बहुत है, राइडर्स बहुत है। अच्छा, तो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये डिलीवरी पकड़ने का ही तो सारा काम है। डिलीवरीज यहाँ पे ना कैच नहीं होती, बहुत मुश्किल से पकड़ी जाती है। अच्छा, तो कंपटीशन है, राइडर ज्यादा है, तो जो नसीब में है वही मिलती है, फिर उसी में अल्लाह का शुक्र करके दी जाती है। कभी कभार तो यार इतनी इतनी दूर 25-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर आना जाना, इतनी इतनी दूर दे के आता हूँ कि तो बचत बचते ही नहीं कुछ पीछे। एवरेज पेट्रोल कितना गाड़ी खा लेती है दिन का? पेट्रोल इब्राहिम भाई 50 रियाल का यार खा लेती है। अभी मैंने टैंकी फुल करवाई है। टैंकी कितने में फुल कराई? टैंकी मैंने फुल करवाई है 75 रियाल में। तो चलती है कितने किलोमीटर? ये अगर आप विद एसी चला रहे हो तो आपको 300-350 किलोमीटर चलेगी, अगर विदाउट एसी है तो आपको 500 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी। अच्छा जी, सही है एवरेज यार विदाउट एसी जी। आजकल मौसम भी सही है, इतना वो ज़रूरत नहीं होती है एसी की जी, सुबह के टाइम होती है ज़रूरत, लेकिन गुजारा हो रहा है। ये है कि दोपहर के टाइम ज़रूरत होती है, दोपहर के टाइम तो 2-12 बजे के बाद तो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बंदा कितना कमा लेता है अब, यानी कि घर से निकला जिस दिन काम नहीं है तो कितना जेब में रख के लेके जाता है? यार इब्राहिम भाई 100-150 तो लेके आते ही है। एक फिगर बताओ। 130 प्लस ले आता है, 120-130 बस। यानी कि ये स्लो काम है, स्लो काम है। और अगर काम फुल पीक पे हो, अगर वीकेंड हो, और अगर वीकेंड हो, अगर आप ये ज्यादातर आप याद रखें कि सऊदी अरब में ना जो सैलरीज के दिन होती हैं वो पीक पे होता है काम, सैलरीज के दिन में। अगर फुल टाइम आप काम कर रहे हो, पीक का दिन है। अच्छा, तो यार आपकी जेब में 500 का नोट आ जाता है। लेकिन मेहनत भी है इब्राहिम भाई, सुबह 7 बजे से लेके रात को 1-2 बजे तक चलाना, कमर दुख जाती है, इतना मेहनत नहीं यार है। बंदा इतना ना चलाए, बंदा अपना हिसाब से चलाए। आप तो भाई जवान हो, कुछ 40 प्लस भी हैं, लड़का हमारा जवान है भाई, तो वो इतना काम कर रहा है, तो कुछ भाई उनके लिए बताओ ना जो एवरेज बंदे हैं, एवरेज उम्र के लिए मैं कह रहा हूँ कि यानी कि आप ना, आपका कहने का ये मकसद है कि एवरेज बंदा जो उनसे है ना अगर काम करे 300 ले आएगा यार, 300 ले आएगा, 300 दिन का ले आएगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं है, 300 ले आएगा। ठीक है, बीच में आराम भी करे, फुल टाइम ड्यूटी नहीं करनी। तो ये बताओ कि कौन सा ये टाइम है कि भाई इस टाइम बंदा जाके आराम कर ले कि भाई इस टाइम काम नहीं है, काम कम है? इब्राहिम भाई ये है मगरिब से ईशा के बाद, मगरिब से ईशा तक। अच्छा, और ईशा के बाद क्या होता है? ईशा के बाद डिनर टाइम होता है, लोग खाने पसंद करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ज़्यादातर, तो ये टाइम होता है पीक का, इधर ऑर्डर जाती है। और सुबह के टाइम? और सुबह नाश्ते के टाइम आप चले जाएं, उसके बाद दोपहर के खाने के टाइम चले जाएं, मतलब 12 बजे के बाद चले जाएं। अच्छा, तो असर के बाद? असर के बाद भी थोड़ा काम डाउन होता है, ये है कैफे, असर के बाद सिर्फ कैफे का काम होता है, आप कैफे के पास जाके खड़े हो जाएं। आप उधर सोच रहे होंगे, मैं भी इसको हिंट दे रहा हूं, मैंने भी ये काम किया हुआ है, आई हैव गोन थ्रू दिस बिजनेस। अच्छा, बस यही है, कैफे के पास जाके खड़े होते हैं, डिलीवरीज आ जाती है। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, तो बंदे के पास टाइम हो और कुछ करने का ना हो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। फ्री रहने से अच्छा ही है इब्राहिम भाई, फ्रीलांसिंग है भाई, आपका दिल कर रहा है आप काम करो, नहीं कर रहा ना करो,
तो आप सेटिस्फाई हो अपने काम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रोक टोक नहीं है, बस अपनी मर्जी से। और अगर अपनी गाड़ी हो तो फिर? अपनी गाड़ी हो तो उसमें ज्यादा फायदा है। अभी देखें आप कि मैं 1600-1700 मेरा इसी रेंट में चला जाता है। वो आपने 3-4 दिन पहले समझो कि इसके लिए गए? जी वो ऐसे एक हफ्ता लगा, 4-5 दिन आप समझोगे गाड़ी के लिए गए, बाकी के 25 दिन आपने अपने लिए कमाना। सही है। अच्छा ये एक सपोर्ट है KFC और ये हार्ड डिस्क। मेहर भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्डर अच्छे आते हैं, कुछ ऐसे स्पॉट्स होती हैं जहाँ पर आप रुको तो ऑर्डर। ये देखें जैसे कि ये राइडर्स और भी खड़े हैं डिलीवरी के लिए वेट कर रहे हैं, ये भी वेट कर रही हैं, ये भाई भी गाड़ी पे लेटे वेट कर रही हैं, बीच में हम भी आ गए हैं। अब देखो जो हमारा नसीब जी, अब देखें इन चार बंदों में से कौन लेके जाता है। इब्राहिम भाई मैक पे चलते हैं फैसलिया के। अच्छा उधर ना एक पाकिस्तानी आया होता पठान, तो वो ना मशवरे दे रहा था सबको जितने भी होते ना राइडर कि आप इतने से इतना बजे चलाओ तो आपको इतनी डिलीवरी मिलेगी, और खुद वेट कर रहा होता उधर बैठ के डिलीवरीज का। ये पार्किंग में सारे राइडर भी खड़े हैं जी, राइडर्स की ये गाड़ियां यहाँ पे पार्किंग में। अभी अंदर जाके देखना, वो देखो इधर दिखाओ, इधर दिखाओ मेरी तरफ, वो देखो वो सारे राइडर बैठे हुए हैं। वाह, वो सारे राइडर बैठे हुए हैं आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके वो ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे भी मुश्किल है कि हमें बारी मिले। अलाउ करता है मैं कहते? हाँ जी, वो ये है ना कि रोज ऑर्डर उठाते हैं ना तो फिर दोस्त वगैरह बन जाते हैं। ये तो भाई फुल गोल मेज कॉन्फ्रेंस बना के बैठे हुए हैं, इस पे आपको है उम्मीद के हमारे हमें मिलेंगे? यार उम्मीद अल्लाह से लगानी चाहिए, जो नसीब अगर हमारे नसीब में हुआ हमें मिल जाएगा। अच्छा लेकिन फिर भी ये देखो उस कोने में भी बैठे हुए हैं जी, वो भी हैंगर वाले हैं, जाहिद वाले हैं, टोयो वाले हैं। यहाँ पर हंगर स्टेशन, जाहेज, टोयो, मरसूल और अभी नहीं आई है निंजा, 5 किस्म की डिलीवरी की वो है ऐप्स पाकिस्तान में, जैसे फूड पांडा है जिसको मैं जानता हूँ। यार अब यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा मैकडोनल्ड के अंदर। एक ये ऐप है इब्राहिम भाई, समरी दिखाओ सुबह से। सुबह से यार मेरी समरी है डिलीवर्ड, ये मैंने डिलीवरीज की हैं देखें, 13 रियाल, 20 रियाल ये मैं दूर गया था काफ़ी। टोयो की डिलीवरी आई जी, टोयो 12 रियाल, 13 रियाल, ये 16 रियाल, ये भी दूर की थी 16 रियाल। इसलिए ना जो देखो जैसे मैं हूँ, अब मेरे मुश्किल से मिलती है क्योंकि ये लोग ही नहीं छोड़ते, ये कहते हैं कि जितनी भी आए हमें ही आ जाए सारी, दूसरे को कुछ ना मिले। चलो पाक अल्लाह पाक का जो जो अल्लाह की मर्जी है भाई, जो जिसका रिजक है उसको वो ही मिलना है। लो जी 15-20 मिनट हमने वेट किया इधर तो कोई ऑर्डर नहीं आया, सिर्फ हमें ही नहीं बाकी राइडर्स भी फ्री बैठे हैं। वैसे भी ये जो उनका टाइम है ना, ये अभी इनका डिनर टाइम नहीं हुआ है, अभी 7:30 हो रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये वही ऑर्डर करेगा जो अनएम्प्लॉय होगा, जो घर पे बैठा होगा। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको यहाँ पर छुट्टी होती है ईशा के बाद, यानी रात को 8 बजे के बाद, उसके बाद थोड़ा सा पीक होता है टाइम, और डिनर का टाइम भी हो जाता है 9 बजे के करीब करीब। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट। अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी है,
फिर वापस चलते हैं ड्यूटी पर। लेकिन फाइनली हमारे पास डिलीवरी आ गई है, अर्निंग 13 रियाल है और अभी जाके ये ऑर्डर उठाते हैं। गाइस हमारे पास एक पाकिस्तान में होता है यतीम खाना और एक यहाँ पे यतीम खाना होता है। कितना खूबसूरत से सजाया हुआ, ये इनकी बसें हैं, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। हाँ मैं सही जो है मैं यहाँ की यतीम हूँ। ये भी गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, जो आम आदमी के हकूक़ होते हैं ना उससे 2% ज़्यादा यतीमों के हकूक़ हैं यहाँ पे। जो आम आदमी को फैसिलिटीज़ हैं, जो चीज़ आम आदमी को 10 रियाल में मिलती है, वो अगर कोई ऑर्फन है उसका ऑर्फनेज का आइडेंटिटी कार्ड एक अलग होता है तो उसको 20% कम मिलती है। इसीलिए तो भाई सऊदी तरक्की कर रहा है जी। तो यार ये मुझे हर्फी का ऑर्डर आया था, तो ये हम हर्फी पे हैं, इधर से अपना ऑर्डर पिक करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, फी तलब जाहिस 835 आई वाह। तो यार ये ऑर्डर ले लिया हमने अपना। अब बस हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो यार ये मैं अब अपना दूसरा ऑर्डर उठाने जा रहा हूँ। सलाम अलैकुम, फी तलब हंगर 738। सलाम अलैकुम। हाँ मेरे हंगर का कितना मिला, स्कोरिंग बोनस 60 हला ले और तकरीबन 12 रियाल मिले हैं यानी क्या हंगर स्टेशन से जी। ठीक है, एक डिलीवरी 13 रियाल की मारी है, एक 12 रियाल की, 25 रियाल हमने दो डिलीवरीज में कमा ली। और कितनी देर लगी मारने में हमें? कम से कम आधा घंटा नहीं लगा। तो ये था एक छोटा सा इंट्रो, इसमें मैंने बताया कि किस तरीके से सऊदी अरब में डिलीवरी के काम से बंदा पैसे कमा सकता है, इसके क्या नफ़ा है क्या नुकसान है। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए अच्छी अच्छी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखें ये सारे एप्पल प्रोडक्ट्स इस तरफ ऐसे डिस्प्ले लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये मैगसेफ के कवर्स। ये आ गए मैकबुक, ये मैकबुक एयर है।